घर और किचन का काम तो हम डेली ही करते हैं, लेकिन इन काम को करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ कर लें तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, काफ़ी सारा समय और पैसे की भी बचत कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे ही टिप्स लेकर के आ चुकी हूँ जो आपकी डेली लाइफ को काफ़ी हद तक आसान बना देंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का मेरा पहला टिप है इरेजर को लेकर। तो देखिए, बच्चे जब भी स्कूल वगैरह जाते हैं या फिर घर पर हम होमवर्क कराते हैं तो इरेज़र तो उनको देते ही हैं, और बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से इरेज़र को काफ़ी ज़्यादा गंदा कर देते हैं, पेन या फिर पेंसिल को चला देते हैं। अब वो पुराना इरेज़र को बिल्कुल भी यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं, बोलते हैं हमें नया ला के दीजिए। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक है, आपको लेना है सरसों का तेल और इस पे हमें रब करना है। देखिए, इस तरह से जैसे ही आप रब करेंगे, चाहे वो पेंसिल का निशान हो या फिर पेन का निशान हो, कोई भी निशान या फिर गंदगी इसमें लगा हो वो बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाता है। आप देखेंगे रब करते ही करते इरेजर बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छे से ऑयल को रब कर दिया है। जितना अच्छे तरीके से आप रब करेंगे ना इरेजर, उतना ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। और अब देखिए, यहाँ पर मैंने कॉटन ले लिया है और इसकी मदद से इसको हमें रब कर देना है। आप देखेंगे इरेजर बिल्कुल नए जैसा चमक जाएगा। इस तरह से आप बच्चों को देंगे, वो खुशी खुशी इसको यूज़ करेंगे और हमारा इरेजर लाने का पैसा भी बच जाएगा। तो इस तरह से आप जो हैं बच्चों को इरेजर क्लीन करके दे सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, एक बार आप इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो है एक इरेजर को अच्छे से क्लीन कर दिया है ऑयल की मदद से। आप दोनों में डिफरेंस देखिएगा, आपको खुद ही नज़र आएगा। तो आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो अगला टिप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ले ली है कैंची। कैंची का इस्तेमाल हम सभी लोग अपने घरों में करते हैं, चाहे वो चाकू, छुरी, कैंची कुछ भी हो। जैसे जैसे हम इनको यूज़ करते हैं, इनका धार जो है कम होता चला जाता है। अब जब भी हमें कुछ काटना होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, और इसकी धार को तेज़ कराने के लिए हमें मार्केट जाना पड़ता है, जिससे हमारा पैसा और समय दोनों ही खर्च होता है। तो आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इसकी धार को घर बैठे ही तेज कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो मैंने कैंची लिया है इसका धार बिल्कुल भी नहीं है, एकदम डल हो चुका है। तो हमें क्या करना है, नेल पेंट लेना है और इसके शीशी को देखिए इस तरह से हमें रब करना है। जो धार का साइड है ना, इस साइड ही हमें रब करना है, चाहे वो चाकू हो या फिर कैंची हो, दोनों में आपको यही प्रोसेस करनी है। अब देखिए, इस तरह से जब आप इसको अच्छे से रब कर देंगे, आप देखेंगे इसके धार जो है अच्छे से तेज हो जाएगी। कोई भी कपड़ा आपको काटना है, अच्छे तरीके से आप काट पाएंगे। अब आप देख ही सकते हैं कितना अच्छे तरीके से कपड़ा इससे कटने लगा है। तो इस तरह से आपका टाइम भी बचेगा और पैसे की भी बचत होगी। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। और नेल पेंट तो हम सभी के घर में होता ही है, तो एक बार आप इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ले लिया है संतरा। अब संतरे का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं, कुछ लोग इसका जूस पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे ही खाते हैं। लेकिन जब हम बच्चों को इसका जूस देते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को नुकसान कर जाता है। तो इसका जूस हम बच्चों को कैसे दें कि बिल्कुल भी नुकसान ना करे और अच्छे से बच्चे पी भी पाएँ। तो देखिए, इसको छीलने के लिए क्या करना है, हमें बीचों बीच से इसको कट कर देना है। उसके बाद हमें स्पून लेना है और इस स्पून की मदद से हमें इसको छील देना है। इससे छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाता है और बहुत ही कम टाइम में। आप देख ही सकते हैं कितना आसान तरीके से छिलका जो है निकलने लगा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और फटाफट से हमारा काम हो जाता है। तो जितने भी संतरे का आपको जूस बनाना है, आप इसी ट्रिक से इसको छीलेंगे तो टाइम हमारा बहुत ज़्यादा बचेगा। अब देखिए, दोनों ही छिलके को मैंने कितना ही कम टाइम में निकाल दिया है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो जब भी आपको मौसम्बी या फिर संतरे को छीलना है, आप इसी ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, इससे टाइम बहुत ही कम लगता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने संतरे को छील लिया है। अब इसका जूस निकालने के लिए हमेशा मैं इस तरह के जूसर का इस्तेमाल करती हूँ। इसमें जूस जो है बिल्कुल नेचुरल तरीके से निकलता है। कुछ लोग मिक्सी में भी निकालते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसी का यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से इससे जूस निकलता है। मिक्सी में क्या होता है कि बीज वगैरह भी पिस जाते हैं, जिससे उसका स्वाद जो है कड़वा हो जाता है। इसमें एक भी बीज पिसता नहीं है और अच्छे से जूस निकल जाता है।
अब देखिए यहाँ पर दो संतरे का जूस मैंने निकाल लिया है। अब इसको देना कैसे है चलिए वो भी देख लेते हैं कि इसको देने से पहले हमें क्या करना है। जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ इस ट्रिक को आप बच्चों और बड़ों दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जूस मैंने निकाला है आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं या फिर ऐसे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने संतरे का जूस लिया है, आप चाहे मौसम्मी का जूस लिए हो या फिर अनार का जूस हो, सब में आप इसी प्रोसेस को कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और इस पर हमें एक बर्तन को रख देना है। अच्छे से बर्तन को हमें गर्म कर लेना है, उसके बाद ही हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर देखिए बर्तन अच्छे से गर्म हो चुका है, बस हमें ऐसे ही रखना है और उसके बाद तुरंत का तुरंत हमें जूस इसमें डाल देना है। जो छुन की आवाज़ आती है बस इतना ही हमें रखना है और उसके बाद इस जूस को हमें कप या फिर ग्लास में ट्रांसफ़र करके दे देना है। इससे क्या होगा, जो जूस की तासीर होती है ना, ठंडी होती है, उसमें गर्माहट आ जाएगी और बिल्कुल भी जूस नुकसान नहीं करेगा, चाहे आप बच्चों को दें या फिर बड़ों को दें। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा मशरूम को लेकर। तो देखिए जब भी हम मार्केट से मशरूम को लेकर आते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, इसको पानी की मदद से धो लेते हैं और उसके बाद इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसको जब भी हम लाएं तो पानी से बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी होते हैं, इनमें पानी भर जाता है जिसकी वजह से सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। और दूसरा ये कि अच्छे से ये क्लीन भी नहीं होते हैं। तो इनको साफ़ करने के लिए बढ़िया सा ट्रिक है, आपको लेना है एक बड़ा बर्तन, इस तरह से देखिए जितने भी मशरूम हैं इसमें डाल देने हैं। और एक चीज़ का और ध्यान देना है, इस तरह के जो थोड़े से काले से मशरूम पड़ जाते हैं इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, इनको हमें डिस्कार्ड कर देना है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है गेहूँ का आटा, और आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, और डालने के बाद सूखा ही हमें मशरूम पर इस तरह से देखिए रब करना है। तो इस तरह से जब आप इस पर रब करेंगे आप देखेंगे जितनी भी डस्ट वगैरह इसमें होगी ना वो सारी की सारी इस आटे में आ जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पर चोकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मशरूम बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी डाल दिया है, आप चाहें तो गीले कपड़े की मदद से भी इनको पोंछ सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल भी पानी सोखेंगे नहीं, और अगर आप पानी से कर रहे हैं ना तो इनको फटाफट से धो के निकाल लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मशरूम कितना अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है, जितनी भी धूल मिट्टी डस्ट वगैरह होती है ना वो सारी की सारी इस ट्रिक से निकल जाती है। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है वैसलीन और कोलगेट। वैसलीन का इस्तेमाल हम सभी लोग सर्दियों में करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इस वैसलीन का इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरीके से बताने वाली हूँ। तो इसके लिए हमें लेना है थोड़ा सा वैसलीन। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको बना के रख भी सकते हैं या फिर तुरंत का तुरंत भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जितना मैंने वैसलीन लिया है उतना ही हमें ले लेना है कोलगेट, और दोनों को अच्छे से हमें मिक्स करना है ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, और ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाता है। इसमें हमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, बस ऐसे ही दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो चलिए इसका यूज़ देख लेते हैं कि हम इसको कैसे और कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिलाई मशीन तो हम सभी के घर में होता ही है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सिलाई मशीन का इस्तेमाल हम काफ़ी दिनों तक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी इस पर आ जाती है, और अगर हम इसको स्क्रबर वगैरह से साफ़ करते हैं तो इनमें स्क्रैचेज आ जाते हैं, इसकी शाइन भी डल हो जाती है। तो इसके लिए आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, जो भी हमने सोल्यूशन बना के रखा है इसको हमें सिलाई मशीन पर लगाना है और अच्छे से हमें रब करना है, चाहे आप हाथों की मदद से कीजिएगा या फिर इस तरह का जो टूथब्रश होता है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो ब्रशल्स होते हैं थोड़े से सॉफ्ट होते हैं तो बिल्कुल भी स्क्रैच वगैरह मशीन पे नहीं आएंगे। अब देखिए हर जगह पर मैंने इसको अप्लाई कर दिया है और आप देखेंगे मशीन बहुत अच्छे तरीके से शाइन करने लगेगी। अप्लाई करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद थोड़ा सा हमें पानी लेना है, उसमें कॉटन को डिप करके इस तरह से देखिए इसको हमें निकाल देना है। जैसे जैसे आप इसको निकालेंगे देखेंगे मशीन जो है बहुत अच्छे तरीके से शाइन करने लगेगा, और जितनी भी धूल मिट्टी इसमें चिपकी होगी वो सारी की सारी निकल जाएगी। तो इस तरह से घर पर ही रखी हुई चीज़ों से हम इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं।
टाइम टू टाइम इस प्रोसेस को करते रहेंगे तो मशीन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, सालों साल चलेगी। इस तरह से हम चीज़ों की केयर करेंगे ना तो मशीन बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगी। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे तरीके से मशीन जो है शाइन करने लगी है और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी अगर इस तरह से इसका हम रखरखाव रखेंगे। आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो इस ट्रिक को ज़रूर से यूज़ करके देखिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। इसी तरह के और वीडियो का लिंक मैंने एंड स्क्रीन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो कल फिर मिलती हूं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।